श्री कृष्णा, मैं ये बताने आया हूँ कि बिहार का सौभाग्य लौटा है। बिहार के ऊपर जो बैड लक था वो अब गुड लक में परिवर्तित हुआ है। बिहार के ऊपर जो शनिचरा था वो मंगल हो गया है, मंगल बृहस्पति में प्रवेश कर गया है, और जब गुरु सहाय तो सब सहाय। आपको पता है ना, बिहार की सत्ता बदली है, मुख्यमंत्री नहीं, सत्ता बदली है, और लालू पुत्र कृष्ण स्वरूप शिव भक्त तेज प्रताप यादव के हाथ में सत्ता आई है। जरा सोचिए, जो कृष्ण स्वरूप हैं, जो शिव के भक्त हैं, जो सनातन के प्रतीक हैं, जो हिंदू रीति रिवाज सत्ता संस्कृति को जीते हैं, जो कृष्ण के वंशज हैं साक्षात, वो वन पर्यावरण और जलवायु मंत्री बनाए गए हैं। जिस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन को लेकर के जिस तरीके से निकलने का उन्होंने काम किया था, बिल्कुल उसी तरह हम भी सारथी के भूमिका में हम निकलने का काम किए। हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम यदुवंशी हैं। यदुवंशी या तो लड़ता है या तो शहीद होता है। यदुवंशी या तो लड़ता है या तो शहीद होता है। हम लोग घबराते थोड़े हैं। जब वन सुरक्षित है, जलवायु स्वच्छ है, तो जीवन स्वच्छ है, जीवन का आधार स्वच्छ है। समझ रहे कि नहीं? मतलब ठीक है, वो इधर कुछ बोले हैं आके कि हमको स्वास्थ्य मंत्रालय दो, तो स्वास्थ्य मंत्रालय पहले भी मिला था इनको, ठीक है ना। मेडिकल कॉलेज देने का भी काम किया था इन्होंने। मतलब जो तरक्की है बिहार की, बिहार की जनता के प्रति जो संवेदना है, वो इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। कनेक्ट करते हैं, जैसे बाहर आई तो नाव पे भी कुर्सी लगाया और चल दिया, कोई हड़बड़ी नहीं है, चलो ढंग से देखेंगे। कोई भाई लोग उस पानी में गाय भैंस नहला रहे हैं तो उसके पास जाते हैं, उसका फोटो खींचते हैं, उसको अपने पिताजी से बात कराते हैं, क्योंकि उनके पिताजी से ये लोग बहुत डायरेक्ट कनेक्ट थे, तो पिताजी को पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर के ये भी कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। भाई जबरदस्त हैं, बांसुरी क्या बजाते हैं? भैया किसी से शिक्षा ली है? बांसुरी किसी को गुरु बनाया है? अरे कृष्ण के वंशज हैं, गुरु क्या बनाना, वो तो परंपरा में है, रीति में है, इनके संस्कार में है। शंख भी उतना ही अच्छा बजाते हैं। वो नकुल और सहदेव के शंख का नाम था सुघोष, तो इनके शंख का भी नाम है सुघोष, शंख भी उतना ही अच्छा बजाते हैं। मतलब इनके बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है भाई लोग। वो जो टुटपुटिए लोग, छुटपुटिए लोग, अजीबोगरीब से लोग, पता नहीं इनके इमेज को क्या क्या कह के प्रकाशित करते रहे हैं, बात करते रहे हैं, मतलब दिल के साफ हैं, मन के पवित्र हैं, और जनता की भलाई ही इनका एक माध्यम है, तो ये बोलते क्या है उस पर लोग चले जाते हैं। कैसे बोलते उस पर चले जाते हैं? अरे अब करते क्या है वो नहीं देखना आपको? भाई से गुस्सा हो गया, कुछ बात हो गई, तो अपनी पार्टी बनाने चले गए, कंपनी भी बनाया,
वो भी राबरी और लालू के नाम से बनाया, एक वो क्या कहते हैं बिजनेस भी किया, अगरबत्ती भी बनाया, तो भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर LR रखा नाम लालू राबरी। उसको उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि लॉन्ग राइट, ऐसा कुछ डिफाइन किया भगवान जाने उसे क्या बात। हम तो सिर्फ इनको, इनकी शक्ल देखते हैं, इनकी विचारधारा देखते हैं, इनकी पवित्रता देखते हैं, जनता के प्रति इनका लगाव देखते हैं, उसके लिए पीड़ा देखते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं ये तेज प्रताप जी, है ना। अब जो स्वभाव से, मन से आध्यात्मिक हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, कृष्णा के वंशज हैं, अपनी माई को जसोदा माई मानते हैं, माई से भी कितना प्यार करती है राबड़ी देवी इनसे, उसको शादी कर दिया एक महत्वाकांक्षी लड़की से। अब भगवान अब क्या करेगा आगे जाके पता नहीं, वो एक जिंदगी में थोड़ा सा दुख हो गया है, एक जो कृष्ण स्वरूप शिव भक्त जो हैं उनको राधा नहीं मिली या गौरी नहीं मिली, या मिली तो क्या है, या उसमें भी कोई पॉलिटिक्स है, कोई पीछे पड़ गया है, किसी ने नज़र लगा दी है, किसी ने काला जादू कर दिया, जो भी कर दिया, ये ठीक नहीं है। हमें बाहर निकाल दिया गया है, इनके सारे स्टार्स, ये सिक्योरिटी गार्ड है, सब खदेड़ता है, जिन्होंने सब कराया है, और मीसा भारती नहीं चाहती है कि घर बसे। अब नीतीश जी आए हैं, साथ वापस आए हैं, गाय गोबर को छोड़ के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए हैं, तो अब हिंदू हिंदुत्व को छोड़ के आए हैं, लेकिन तो अब जहां आए हैं वहां तो पूरा हिंदुस्तान है, वहां तो तेज प्रताप जी हैं, वहां तो साक्षात कृष्ण हैं, शिव भक्त हैं, तो हिंदू हिंदुत्व तो वही है, लेकिन इनका वो उनका सेकुलरिज्म भी थोड़ा सा है। अब ये लोग दूसरे तरीके से कहते हैं कि कोई भी मुसलमान हमसे बड़ा मुसलमान थोड़ा ही है, कोई भी हिंदू इनसे बड़ा हिंदू थोड़ा ही है, तो बहुत बड़े आदमी सब हैं और अब सत्ता में हैं। ये जो पागल लोग हैं जो जंगल राज चिल्लाते हैं, अरे जरा सोचो ना, वो लोग कौन थे जो ततारे जा रहे हैं, वो कौन लोग थे जो थेथराई करते रहे हैं, वो कौन लोग थे जो कृष्ण वंशजों के साथ बदतमीजी करते रहे हैं। तो सबकी पूजा आराधना होगी ना उसी तरीके से। ये तेज प्रताप यादव एक शुभ लक्षण है बिहार के लिए, शुभ अस्त्र है बिहार के लिए, शुभ शस्त्र है बिहार के लिए, वो बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए, कृष्ण के वंशज हैं, यादव हैं, वो बांसुरी वाले हैं, वो मोर पंखी वाले हैं, भैया उनका स्वागत उस रूप में करोगे तो उस रूप में वो उपलब्ध होंगे, उनको गलत रूप में देखेंगे तो गलत रूप में उपलब्ध होंगे, है ना। उनको आप लहंगरा समझिएगा, बकवास करने वाला समझिएगा, तो उसी रूप में वो दिखेंगे। अरे जाकी रही भावना जैसी प्रभु दी तीन मुहूर्त ऐसी, मतलब वो हमको याद नहीं है ढंग से, गलत बोले सही बोले माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुद्दा सिर्फ यही है कि जिसकी जैसी भावना होती है जो प्रभु है उसको ऐसा ही रूप दिखाते हैं, तो तेज प्रताप जी के साथ भी वही है। अब बताइए इन कोई निगेटिव बात लगा होगा, कोई चचरागिरी, कोई छोड़ीबाजी, कोई ये वो नहीं सुने होंगे कभी, कभी नहीं सुने होंगे। पत्नी भी है इतनी सुंदर मिली, उसके साथ भी विचार नहीं मिला, विचार कहाँ नहीं मिला, तो उस पर जाकर रिसर्च कीजिए। तेज प्रताप जी की शादी नहीं चली, नहीं चली तो विचार नहीं मिला, विचार नहीं मिला तो इसका बहुत सारे कारण होगा, जाके अंदर देखिएगा कि बकवास कीजिएगा कोई, समझे कि नहीं। अब जो ऐश्वर्या है, पत्नी जो है तेज प्रताप जी की, हो सकता है वो अपने माँ बाप के प्रभाव में आ गई हो, हो सकता है राबड़ी लालू जी ने ढंग से नहीं समझा हो तेज प्रताप जी को, कुछ भी हो सकता है भाई, छोड़ तो दे उनको उनके हालात पे कि बकवास करेंगे। हम जो कुछ बोले हैं अगर आपको व्यंग लग रहा है तो उसको दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटिया को जो अगर प्रेस कर दीजिएगा तो हम जो कुछ बोलेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आज का जो ये एपिसोड था वो कृष्ण स्वरूप शिव भक्त तेज प्रताप यादव के ऊपर था। उम्मीद है कि वो बिहार की तकदीर बदलेंगे कृष्ण जी की कृपा से। जय कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to watch more videos like this.